उसके बाद मैं देख लूंगी क्या होता है। अगर ये तो मुझे वैसे जब आप इतना पता है कि ये तो 100% मना करेंगे क्योंकि पद तो ये कितना निकाल कितना काटा इन्होंने तो नहीं मिली हमारे इससे मुझे जमीन आती थी वो सारी वो नंबर भी लिख दीजिए कुछ पे आपको खाना मन नहीं देता नीचे वाले पास हमारे भी आना होगा हमारे पास नहीं नहीं आता मैं तो इसको पढ़ने में भी नहीं जानती हूँ अब मेरे को क्या पता क्या लिखा है क्या पढ़ा है बाद में ये घर आया फिश के बड़े बैराज बना उसमें हमारी पूरी जमीन काट दी तो सिंचाई विभाग ने हमको कोई इतला नहीं करा कि हम तुम्हारी जमीन काट रहे हैं हमारे धान की फसल भी होती थी उसमें मसालों की फसल भी होती थी लहसुन धनिया बोते थे हम गेहूं की फसल भी होती थी बहुत ही बगीचा भी था उसमें। उसके बाद मैंने उन्होंने विरोध करा कि इसको मत काटो करके तो उन्होंने मेरे को थाने तुमको हम जयी था जो उसने मेरे से कहा कि तुमको हम थाना पहुंचा देंगे तुम यहाँ काटने नहीं दोगे हम अपना लेके आए हैं कि काटना है ये करके। तब से उन्हें उसके बाद एसडीओ साहब ने हमें लिखित दी कि तुमको नौकरी मिलेगी उसमें कोई कार्रवाई आज तक उन्होंने हमारे तरफ देखा तक नहीं। हम इतनी कार्रवाई कर रहे हैं इतनी कार्रवाई कर रहे हैं उस समय मेरा बच्चा छोटा था आईटीआई करने गया था मुझे पता भी नहीं कि ये कागज में क्या लिखा है क्या कर रहे हैं किसने लिखा हुआ लगता है ये तो मालूम ही नहीं था मेरे को। नाम क्या आपका? मेरा नाम बिमला नेगी पति मेरे नंदन सिंह नेगी हैं। इतने सीधे हैं उनको पता भी नहीं होता है ये क्या कागज चलता है करके। जब उस कार्य का विरोध मेरे खेत मेरे हिस्से में जीत कार्य का विरोध किया गया तो विभाग द्वारा हमें ये लिखित दिया गया क्या हमें नौकरी देंगे ये लिखित मिला है मुझे और अधिकारी लोग कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी नंदन सिंह नेगी जी की धर्मपत्नी और उनके बेटे आए हुए थे मेरे पास एक एप्लीकेशन के साथ कि जब बैजनाथ झील का निर्माण हो रहा था तो उनकी जमीन काटी गई उसमें और उनको मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि उस समय संबंधित अधिकारी ने उनको लिख करके दिया था कि वो उनको नौकरी देंगे ऐसा उनका कहना है।